अपने लिए मुश्किल बनाते रहेंगे। तो ये थी मेरी किचन क्लीनिंग। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा मेरे ग्राम इंस्टाग्राम पे सवाल आता है कि आप वॉशरूम कैसे धोती हैं। तो ऑनेस्टली बताऊँ, शुरू में बहुत मुश्किल हुई थी, मगर यहाँ आके जैसे मैंने आपको बताया कि चीज़ें बहुत आसान हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सफाइयाँ मुश्किल नहीं है। आप चाहे मेल हैं फीमेल हैं, आप अपने घर को अच्छा खुद मैनेज कर सकते हैं अपने जॉब रूटीन के साथ भी। मैं घर पे होती हूँ, मेरी बेटी साथ होती है, मेरे लिए फुल टाइम जॉब है मेरी बेटी ही, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को भी टाइम देना है, घर भी मैनेज करना है, किचन भी करना है, खाना भी टाइम पे प्रिपेयर करना है। तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करके, वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान में आपके पास किचन में भी हाउस हेल्प है, कुक है और क्लीनर है, और आप जब यहाँ पे आके कर रहे हैं तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ मैं किस तरह से अपना वॉशरूम क्लीन करती हूँ। सो गाइस, दिस इज माय वॉशरूम, जो कि अभी बहुत ही गंदी हालत में है। ये वॉश बेसिन एरिया है, ये सामने मेरा शावर और टॉयलेट एरिया है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ का बहुत एतराज़ होता है, इस वाले सबसे ज़्यादा एतराज़ इस चीज़ का होता है कि यहाँ पे लाइट बहुत कम है। मैंने बहुत दफ़ा सोचा कि मैं अपने इस वॉशरूम के लिए एक लैंप ही ले आऊँ, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल जैसे होटल्स में लाइट होती है ऐसी एम्बियंस लाइट हैं, और उन्होंने मुझे कोई नंबर बताया था बल्ब का जो कि मुझे नहीं मिला, लैंग्वेज बैरियर और यहाँ पे चीज़ें ढूंढने का। अभी तो मैं ढूंढ रही हूँ, जैसे ही मुझे कोई मिलेगा तो मैं ज़रूर इसका लाइट चेंज करूँगी। यहाँ की लाइट बहुत डिम है, मैं इवन के मेरे पास यहाँ पे मेरे वैनिटी नहीं है, मेरा अपना जैसे मुझे तैयार होना है तो मुझे बाहर जाके होना पड़ता है, क्योंकि वॉशरूम में इतनी लाइट नहीं है कि मैं जो है ज़्यादा मेकअप कर सकूँ। देखिए, मैंने अभी दरवाज़ा बंद किया है तो बाहर से लाइट के बाद इधर आपको शायद कैमरा पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी लो लगेगी। सो खैर, अभी मैं करती हूँ क्लीन आपके सामने ही सारी, और आपको दिखाती हूँ मैंने इसको कैसे किया। मैंने बेसिक अपनी सफाई सारी कर ली है, सारी मैंने स्लैब्स और उनको मैंने समेट दिया है। अब जो अगली चीज़ है जो मैंने यहाँ पे करनी है, प्लीज़ एक्सक्यूज द लाइट, मेरे वॉशरूम में इतनी ही डिम लाइट है जिसकी वजह से आपको शायद क्वालिटी ऐसी लगे। अब यहाँ पे जो मैंने काम करना है, आपको जैसे मैंने कहा यहाँ हर प्रोडक्ट मैं लेती हूँ, मैं डोमेक्स यूज़ कर रही हूँ, जिसमें जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से यहाँ पे डाल के उसको थोड़ी देर छोड़ दूँगी। और मोस्टली मैं क्या करती हूँ, जब भी अपना किचन स्टार्ट करती हूँ, अभी तो मैंने स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को दिखाना था इसलिए मैं इस तरह कर रही हूँ, वरना मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ सारा डोमेक्स लगा के किचन में चली जाती हूँ। जब तक मैं किचन की सफाई करती हूँ तब तक यहाँ पे डोमेक्स अपना सफाई का काम कर देता है, और मैं वहाँ से फ्री होके आके फौरन ही इसको वॉश करती हूँ, और एट टाइम मेरी दोनों चीज़ें साथ साथ हो जाती हैं। मैं किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊँ। ये मैंने सोप्स हटाए यहाँ से, इनको करके इनका इससे आपका मतलब, मैं हफ्ते में एक या दो बार अपना वॉशरूम ऐसे डिटेल में धोती हूँ, मेरा पूरा हफ्ता आराम से गुजर जाता है। ये मैंने, अच्छा मैं अक्सर ये गलती करती हूँ, आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, मैंने ऐसे ही वॉशरूम के रखे हुए हैं। आप लोग प्लीज़ ग्लव्स ज़रूर पहनिएगा, अभी मेरे पास ग्लव्स नहीं, और इससे बहुत ज़्यादा अगर मुझे, तो खैर बीइंग अ मॉम बहुत आदत हो गई है अब जल्दी जल्दी करने की, मैं ये बहुत गलती करती हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ ग्लव्स पहन के करें, अगर तो आप लोगों को
एलर्जीज का इशू है क्योंकि इट्स अ वेरी हार्ड केमिकल जो आपके हाथों को खराब कर सकता है। मुझे भी थोड़ा सा एंगल का इशू है, मेरे पास कोई और हेल्प नहीं है अभी कि कोई पकड़े और मैं आप लोगों के लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं। तो मैं आप लोगों को अभी फ्लैश ऑन करके आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं किस तरह से यहाँ पे ये सारा डोमेक्स डाल रही हूँ। ये मैंने सारा डाल दिया है और मैं आप लोगों को वो प्रोडक्ट भी दिखाती हूँ गाइस और वो तरीका भी बताती हूँ कि आप कैसे अगर ये क्लॉग हो जाए ये वाला, ये जो सामने दिख रहा है ट्रेनर, तो आप इसको किस तरीके से अनक्लॉग कर सकते हैं। मुझे शुरू में इसकी बड़ी परेशानी हुई थी लेकिन इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको यहाँ सब चीज़ मिल जाएगी। ये मैंने डाल दिया है और अब मैं इसी तरीके से सॉरी गाइस मैं बिल्कुल भी कैमरे के साथ ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं आप लोगों को इसको करने के बाद दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से करूँगा, मेरे कैमरे का फोकस कैसे, इसको मैं करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि बस इसको यूँ सिंपल आप समझ ही गए होंगे कि इसको आपने स्पॉन्ज से मार के 10 मिनट के लिए जैसे आपने वॉश बेसिन छोड़ा है इसको करना है। उसके बाद हम टॉयलेट पे आएंगे, हमने टॉयलेट को जो है कमोड को भी इसी तरीके से टॉयलेट सीट को भी इसी तरीके से हमने क्लीन करना है। तो यस अभी मैंने डोमेक्स लगा के सारे वॉशरूम में छोड़ दिया है, अब मैं इसको 10-15 मिनट्स के लिए छोड़ूंगी ताकि जो गंद है सब निकल जाए। उसके बाद सिंपल पानी से आपने प्रेशर मारना है और उसको साफ करना है और ये आपके घर की सफाई हो गई। मैं आप लोगों को क्लीन टॉयलेट की भी एक क्लिप लगा दूंगी। तो ये थी क्लीनिंग, अब मैं आपको दिखाती हूँ सफाई के लिए। यहाँ पे सफाई करना बहुत आसान है, आप ब्रूम ले लें आप उससे सफाई करें, मोस्टली घर में कारपेट्स हैं तो कारपेट्स के लिए मैंने यहाँ से वैक्यूम क्लीनर लिया हैंडी। और अगर आप को गाइस मैं बताऊँ, अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा मैदान का, तो मैदान में मैं आपको शॉप पे लेके गई थी जहाँ से मैंने उसमें मैंने जिक्र किया कि मैंने वहाँ से ये वैक्यूम क्लीनर ख़रीदा है। तो मैं आपको बताऊँ, आपको ना मैदान में या ऐसी शॉप पे लोकल ब्रांड्स की बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको अच्छी अप्लाइंसेस घर की मिल जाएंगी। और उसका मुझे पर्सनली कलर नहीं पसंद लेकिन वो मेरे लिए इस टाइम पे लाइफ सेवर है। आपको पता है जैसे कि मेरे पास टॉडलर है, मेरा बच्चा हर वक्त कभी बिस्किट गिरा रहा है, कभी कुछ गिरा रहा है सोफों पे, कभी किसी चीज़ पे, तो मैं हर वक्त फर्नीचर या ये चीज़ें नहीं हिला सकती। तो उसके लिए वो हैंडी वैक्यूम मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वो उसी से ही मैं सारी सफाई करती हूँ और उसकी प्राइस भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। सो दिस इज द वैक्यूम, ये है हैंडी, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, मेरे लिए तो फिर भी हैवी है लेकिन इतना ज़्यादा भी। वैक्यूम मैंने लिया है और ये ब्लू हाउस स्टॉर्म है इसका नाम, ब्लू हाउस यहाँ पे ब्रांड है टर्किश लोकल और इसकी बहुत अच्छी और रीजनेबल प्राइसेज होती हैं। ये हमने कितने का लिया था, आई थिंक हमने ये 200 लीरा का, 200 लीरा पाकिस्तान के अगर कन्वर्ट किए जाएं तो 6,500 रुपये बनते हैं और उसमें आपको इतना अच्छा वैक्यूम मिल गया। इसका सक्शन पावर बहुत अच्छी है और इसके साथ डिफरेंट चीज़ें हैं, ये मैं खुद हाथ में लेके, इसके साथ आप ये डायरेक्ट ऐड कर दें और इससे जैसे अरीशा ने कोई कचरा किया है गंद किया है तो मैंने इसको लगाया और लगा के फौरन मैंने इससे सफाई कर ली। इसके अलावा इसमें ये बड़ा रॉड मिलता है अगर आपको खड़े होके सफाई करनी है और ये एक्सटेंडेबल है और ये जो है सोफ़े साफ़ करने के लिए सक्शन वो है, क्योंकि मैंने भी सोफ़े साफ़ किए थे तो उसके लिए मैंने ये अभी इस पर लगाया हुआ है। इसको लगा के आप आराम से इसको अपने मुताबिक कर सकते हैं। इसके अलावा फर्श पे सफाई करने के लिए ये है, आप इस पर लगाएं और इसको साफ कर लें और आपको ब्लू हाउस स्टॉर्म के नाम से यहाँ पे ब्लू हाउस स्पेसिफिकली ब्रांड है और इसकी सबसे ढील है, बट अगर आपको आप टर्की आ रहे हैं यहाँ पे रह रहे हैं तो आपको एक ये बेस्ट ऑप्शन है। आपको ऐसी और भी शायद ब्रांड्स मिल जाएंगी, मेरा ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है,
मुझे ये मिला था, मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो 225 लीरा का है स्टीम मॉप, ब्लू हाउस का ही है, बहुत अच्छा है, रीजनेबल है, और बच्चे के साथ आपको पता है आपको घर डिसइंफेक्ट करना है, सफाइयाँ करनी है, तो इंशाल्लाह जब कभी वो लूँगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा हैंडी है, मेरे कारपेट्स हैं, सब चीज़ें मैं इसी से ही साफ करती हूँ। तो ये थी मेरी कंप्लीट घर की सफाई, आप लोगों ने देखी, आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और कोई आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं अबाउट लिविंग तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सोच रहे होंगे अभी, मुझे पता है कि इन्होंने सारे घर की सफाई बता दी, सब कुछ बता दिया, नहीं बताया तो लॉन्ड्री का नहीं बताया, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ पे लॉन्ड्री के लिए भी उन्होंने बहुत ही कॉम्पैक्ट और एक बहुत अच्छा, तो लॉन्ड्री के लिए स्पेसिफिकली मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे घर में ये वाली कैबिनेट बनी हुई है इस तरह से, ये इंस्टॉल्ड लॉन्ड्री है यहाँ पे, जहाँ पे मैं सारे अपने मशीन में कपड़े डाल के धोती हूँ, और साथ में मैं आप लोगों को प्रीपेमेंट शेयर करूँ। और जो लोगों को मैंने बताना था क्लॉग अनक्लॉग करने के लिए, ये ब्रांड है, ये आता है, इट्स अ वेरी हार्श केमिकल, तेजाब की तरह का है, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कहा था कि इसको यूज़ करते हुए एक आपने मास्क पहनना है, एग्जॉस्ट ऑन रखना है, और दूसरा इसको करने के बाद आपने वॉशिंग यूज़ नहीं करना है एक घंटे का तक, और उसके बाद ये वाली आपने लिक्विड डाला और घंटे तक आपने छोड़ दिया, और उसके बाद आपने उबलता हुआ पानी डाला, उसके लिए आसान है, आप इलेक्ट्रिक कैटल लें, इलेक्ट्रिक कैटल का गर्म पानी आप डालें उसमें, तो आपका जो है जितना भी ड्रेन जो है वो जो अनक्लॉग है वो जो क्लॉग्ड है वो क्लॉग हो जाएगा, पता नहीं मुझे क्या बोल रही हूँ। तो ये थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मेरी बेटी तालियाँ बजा रही है कितना अच्छा व्लॉग हो चुका है, तो मैं चलती हूँ, और लास्ट में आप लोगों को अपने घर का क्लीन वॉशरूम का एक मैं क्लिप भी लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से सफाई कैसी थी। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, और कोई आपके पास सवाल है किसी चीज़ से रिलेटेड तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा मुझसे। ओके।